हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम आपके लिए डिजाइनर लॉन्ग गाउन लेकर आए हैं, और गाउन बनाने के लिए हमने टू फैब्रिक ली हैं। ये हमने टू फैब्रिक ली हैं, एक हमारी प्रिंटेड फैब्रिक है और एक हमारी नेट फैब्रिक है। दोनों फैब्रिक ही हमने 5 5 मीटर ली हैं, तो टोटल जो हमारी फैब्रिक है वो 10 मीटर है। और सबसे पहले हम प्रिंटेड फैब्रिक में से टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो नेट फैब्रिक को हमें अलग रखना है। प्रिंटेड फैब्रिक में से हमें टॉप पीस के लिए कपड़े को कट करना है, तो यहाँ पे मैंने टॉप के लिए कपड़े को कट कर लिया है और कपड़े को मैंने फुल लेयर में फोल्ड किया है। और ये कपड़े की खुली साइड है और ये साइड कपड़े की बंद है। सबसे पहले मैं आपको लेंथ बता रही हूँ। जो हमारा ये टॉप पीस रहेगा, ये हमारा 15 इंच का सिल के तैयार होगा, तो एक मार्क हम 15 इंच पे करेंगे और 1 इंच हमने यहाँ पर सिलाई के लिए ऐड किया है। तो हमने जो टॉप पीस की लेंथ ली है वो हमने 16 इंच ली है। और इसके बाद अब हम बंद साइड की तरफ से शोल्डर की ड्राफ्टिंग करेंगे। हमें बंद साइड की तरफ इंची टेप को रखना है। यहाँ पे जो हम शोल्डर है वो हम 7 इंच ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। और इसके बाद जो आर्म होल्स की लेंथ रहेगी वो भी हम 7 इंच ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 7 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है। अब हमें चौड़ाई का फोर्थ लेना है। जो भी आपकी चौड़ाई हो आप उसका फोर्थ लें। चौड़ाई है 36 इंच, फोर्थ हुआ 9 इंच, तो यहाँ पे हमें 9 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच यहाँ पे हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब हमें कमर की ड्राफ्टिंग करनी है। कमर है हमारी 32 इंच, तो फोर्थ हुआ 8 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। और 1 इंच यहाँ भी हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और जो मार्क हमने मार्जिन वाले किए हैं, यहाँ पे हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद अब हम आपको आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। आर्म होल्स की लेंथ है 7 इंच, 7 का सेंटर हुआ 3.5 इंच, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे इस कोने पर। और अब हमें गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद अब हम आपको फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। जो मार्क हमने सेंटर पे किया है, इस मार्क को 1/2 इंच गले की तरफ करेंगे। 1/2 इंच इस लाइन से हमें यहाँ पर मार्क करना है। सेंटर वाले मार्क को हमें आर्म होल्स की तरफ मिलाना है इसी लाइन पर, और फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इस लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद अब हम आपको गले की ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। बन साइड की तरफ हमें इंची टेप को रखना है, और गले की चौड़ाई है वो हम 3 इंच ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। और इसके बाद जो गले की लेंथ रहेगी वो हम 4 इंच ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 4 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर हमें ऐसे बॉक्स बनाना है, और 1 इंच पर हमें गोलाई करनी है। बैक और फ्रंट गले हम बराबर रख रहे हैं, साथ में ही हमने ड्राफ्टिंग की है। यदि आप बैक गला डीप रखना चाहती हैं तो अलग से ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। इसके बाद एक मार्क हम आर्म होल्स की तरफ करेंगे 1/2 इंच पर, और गले की तरफ हम इसे तिरछा करेंगे। गले से आर्म होल्स की तरफ हम 1/2 इंच डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोनों गले हम साथ में ही कट करेंगे, तो पहले हम गले की कटिंग करेंगे, फिर हमें शोल्डर की तरफ से कट करना है, फिर बैक आर्म होल्स की, फिर हमें इसे साइड से कट करना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हम एक पीस को अलग करेंगे जो हमारा बैक पीस रहेगा, और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है, और फ्रंट आर्म होल्स की अब हमें कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने आर्म होल्स की कटिंग कर ली है, तो जो हमारे टॉप पीस है ये कट हो गया है। अब हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं। ये बैक पीस है टॉप का, और दूसरा फ्रंट पीस है। इसके बाद हम आपको स्कर्ट पार्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो स्कर्ट पार्ट के लिए हमने दोनों फैब्रिक लेनी है, नेट फैब्रिक और प्रिंटेड फैब्रिक। नेट फैब्रिक 5 मीटर है, प्रिंटेड फैब्रिक 4.5 मीटर है, क्योंकि इसमें से हमने टॉप पीस के लिए कपड़े को कट कर लिया था और इसे हमने चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। ऐसे ही हमने नेट फैब्रिक को भी चौड़ाई में फोल्ड किया है ताकि ये कैमरे में कवर हो जाए। और अब हम लेंथ ले रहे हैं। जो हमारी नेट फैब्रिक है
इसकी जो लेंथ है वो हमने 39 इंच ली है, तो इसकी लेंथ पूरी 39 इंच ही आ रही है, और जो हमारा ये पीस रहेगा 38 इंच का सिल के तैयार होगा। तो 1 इंच हमने इसमें सिलाई के लिए ऐड किया है, और इसमें से हमें कटिंग नहीं करनी है, ये हमारा 39 इंच ही आ रहा है और ये पीस सिल के तैयार 38 इंच का होगा। तो इसे हमें ऐसे ही रखना है, ये हमारी 5 मीटर फैब्रिक है। और इसके बाद अब हम आपको प्रिंटेड फैब्रिक को कट करना बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी प्रिंटेड फैब्रिक है वो हमारी 4.5 मीटर है, और हम इसकी जो लेंथ रखेंगे वो नेट फैब्रिक से 1 इंच कम रखेंगे। तो नेट फैब्रिक को हमने 39 इंच लिया था और प्रिंटेड फैब्रिक को हम 38 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमें 38 इंच पे मार्क करना है, और ये पीस हमारा 37 इंच का सिल के तैयार होगा। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है, और इसके बाद आप इसे यहाँ से कट कर लें। सिर्फ हमें स्कर्ट पीस में इतनी ही कटिंग करनी थी, अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। सबसे पहले हमें टॉप पीस लेना है और इसके गले को बनाना है। यहाँ पे हम आपको गला बनाना नहीं बताएंगे, क्योंकि गले की वीडियो हमने चैनल पे पहले से अपलोड कर रखी है, सिंपल गले की, आप वहाँ से देख लें। तो यहाँ पे हमने दोनों पीस के जो ये गले हैं ये हमने बना लिए हैं, और एक पीस को हमें सीधा रखना है और दूसरे पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे। और इसके बाद सबसे पहले हमें शोल्डर पर सिलाई लगानी है, तो आप शोल्डर पर सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद आर्म होल्स पर आपको पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पे हम आर्म होल्स पर पाइपिंग लगाना आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि पहली वीडियो में हम आर्म होल्स पर पाइपिंग लगाना बता चुके हैं। तो यहाँ पे हमने आर्म होल्स पर पाइपिंग लगा ली है, और इसके बाद दोनों साइड में हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में सिलाई भी लगा ली है। तो हमारा जो ये टॉप पीस है ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम आपको इसे सीधा करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉप पीस तैयार हो गया है। अब हम आपको स्कर्ट पीस को तैयार करना बताएंगे। तो हमें दोनों ही फैब्रिक लेनी है, प्रिंटेड फैब्रिक और नेट फैब्रिक। दोनों फैब्रिक को मिलाकर हम स्कर्ट पीस को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें नेट फैब्रिक लेनी है। यहाँ पे हमने नेट फैब्रिक ली है, और इसके बाद अब हमें सुई धागा लेना है। और सुई धागे की जो हमने लेंथ ली है वो हमने कमर के अकॉर्डिंग ली है। कमर है हमारी 32 इंच, तो हमने इस धागे की लेंथ को 34 इंच लिया है। 1 इंच कपड़े को हमें ऐसे सिंपल ही छोड़ना है, और इसके बाद हम सुई धागे से इस पूरे नेट फैब्रिक को ही कच्चा करना है। दूरी हम 1 इंच की रख रहे हैं, 1 इंच की दूरी पर हम धागे को निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही आप 5 मीटर फैब्रिक को सुई धागे से कच्चा कर लें, और सुई धागे से कच्चा करने से जो ये प्लेट्स हैं बहुत अच्छे से बन के आएंगी। और यहाँ पे हमने इस पूरी फैब्रिक को सुई धागे से कच्चा कर लिया है, और दोनों तरफ हमने 1-1 इंच फैब्रिक ऐसे ही छोड़ी है, और धागे को हमें कट नहीं करना है। और इसके बाद अब हम आपको बॉटम पार्ट को तैयार करना बताएंगे, धागे को अभी हम कट नहीं करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए जो हमारी प्रिंटेड फैब्रिक है उसमें से हमने 1/2 मीटर कपड़े को पहले ही कट कर लिया था। फ्रेंड्स, मैं वहाँ पे आपको बताना भूल गई थी, वो हमारी जो प्रिंटेड फैब्रिक थी वो हमारी 5.5 मीटर थी। तो 1/2 मीटर फैब्रिक को मैंने बॉटम पार्ट के लिए पहले ही कट कर लिया था। ये हमने 4 इंच चौड़ाई के 5 पीस कट किए थे, और इन्हें हमने अर्ज में कट किया था। इससे जो हमारी फैब्रिक लगी थी वो 1/2 मीटर लगी थी। और नेट फैब्रिक को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है, और इस पीस को भी हमें बैक साइड की तरफ से रखना है, और 5 मीटर तक हमें इसे सिलना है। तो आप इसमें पूरे पर सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने इस पीस को सिल लिया है, सिंपल सिलाई थी, हमने ये लगा ली है 5 मीटर तक। और इसके बाद अब हमें इस पीस को फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करना है, और ऊपर से हम इसे 1/2 इंच और फोल्ड करेंगे इसी पीस को, और इसे आप पिनअप कर लें, या तो आप इसे पिनअप कर लें। यदि आप पिनअप करना नहीं चाहती हैं तो आप इसे पूरे पीस को ही सुई धागे से कच्चा कर लें। मैंने इसे पिनअप कर लिया है, और अब हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है, और बॉटम पार्ट को भी हमने ये तैयार कर लिया है। तो इस तरह हमने नेट फैब्रिक वाले पीस को तैयार कर लिया है, आप देख सकती हैं। इसके बाद अब हमें प्रिंटेड फैब्रिक लेनी है। प्रिंटेड फैब्रिक में भी सेम हमें ऐसे ही प्लेट्स भरनी हैं। तो यहाँ पे हमने 1 इंच के करीब इस फैब्रिक को प्लेन रखा है, और 32 इंच हमने धागे को रखा है,
और यहाँ पे हमने दूसरी साइड में भी 1 इंच ऐसे ही प्लेन रखा है, ये हमारा सिलाई में जाएगा। और हमने 32 इंच तक ऐसे प्लेट्स भर ली हैं, हमने इसे कमर के अकॉर्डिंग धागे को रखा है और ऐसे हमने इसमें प्लेट्स भर ली हैं। इसके बाद अब हमें नेट फैब्रिक लेनी है, इस फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और नेट फैब्रिक को भी हम सीधी तरफ से ही रखेंगे। और जो हमारी प्लेट्स हैं इन्हें हमें अच्छे से ऐसे बराबर में रखना है। बराबर में करते हुए यहाँ पे हम इसे पिनअप करेंगे, तो हम दोनों पीस आपस में अच्छे से पिनअप कर लेंगे ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो ये पीस इधर उधर ना हो। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे पिनअप कर रहे हैं, पिनअप हम इसे बिल्कुल पास पास करेंगे। और फ्रेंड्स जो हमारी ये प्रिंटेड फैब्रिक है इसमें आप बॉटम पार्ट को भी सिल लें, 1/2 इंच सिलाई लगा लें। और इसके बाद हमने इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड किया है और अब हम इसमें साइड में सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई हमें बॉटम पार्ट तक लगानी है। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई थी, प्रिंटेड फैब्रिक को आप 1/2 इंच के करीब फोल्ड कर लें बॉटम पार्ट से। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और स्कर्ट पीस को हमने बैक साइड की तरफ से रखा है, टॉप पीस को हमें सीधा करके शोल्डर की तरफ हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। पहले जो ये सिलाई वाली साइड है, स्कर्ट पीस की सिलाई वाली साइड हम इसे मिलाएंगे और हमें इसे ऐसे अच्छे से रखना है। और या तो आप इसे भी पिनअप कर लें, यदि आप पिनअप करना नहीं चाहती हैं तो ऐसे ही आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। और फ्रेंड्स जब आप ये सिलाई लगाएं तो जो ये पिन हमने लगाई हैं इनको आप निकालते हुए ये सिलाई लगाएं। और जब भी आप एक सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसे आप पूरे पीस में ही ये सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है, अब हम आपको इसे सीधा करके दिखा रहे हैं। तो जो हमारा ये गाउन है ये कंप्लीट हो गया है, अब हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं। बहुत ही प्यारी लुक आई है। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं गाउन बनाने का हमारा मेथड आपको कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।